जिला पुलिस के स्थानीय अपराध शाखा ने साकोली तहसील के सानगढ़ी में एक घर में छापा मारकर कुल 7,47,960 रुपए की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त की। यह कार्रवाई मंगलवार 12 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे की गई। घटना को लेकर साकोली पुलिस थाने में सानगढ़ी के वार्ड क्रमांक 4 निवासी आशीष जयदेव देवरे उम्र 25 वर्ष पर धारा 272, 273, 328 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी के घर से 4,50,560 रुपए की 281 किलो 600 ग्राम तंबाकू, 2,62,400 रुपए की 320 किलो, 35,000 की 70 किलो ऐसे कुल 103 बोरियों में भरा 671 किलो तंबाकू जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने जिले में अभियान चलाकर अमली पदार्थ जब्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर, सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे ने सानगढ़ी के आशीष जयदेव देवरे के घर में छापा मारकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लाखों का सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी पर साकोली पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर, सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे, पुलिस हवालदार रोशन गजबिये, तुलसीदत्त मोहनकर, विजय राउत, प्रफुल्ल कठाने, संदीप भानारकर ने की। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।